सिकंदराबाद कस्बा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अधिक होने पर पूरे कस्बे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूर्व में ही सील कर दिया गया था। कस्बे में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कस्बे की सभी गलियों को बैरिकेडिंग लगाकर सील करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा डोर स्टेप के द्वारा आपूर्ति कराई जा रही है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टर एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कंटेनमेंट जोन का भ्रमण करते हुए स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों के अनावश्यक बाहर घूमने पर वीडियोग्राफी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को भीड़ जुटाकर आपस में ना मिलने दिया जाए एवं नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को बाहर जाने एवं बाहर से किसी भी व्यक्ति के अंदर आने की अनुमति नहीं है। जिनके द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में हमारे जनपद में टोटल 119 लोग एक्टिव हैं। 119 लोग, जिसमें से कि आधे से ज़्यादा सिकंदराबाद तहसील से हैं। और इसके बारे में प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा दो दिन पहले ही पूरे कस्बे को सील किया जा चुका है। पूरा सिकंदराबाद नगरीय क्षेत्र जो भी प्रभावित है, सरकार के डेफिनेशन के अनुसार जब एक केस रहता है तो 250 मीटर, दो केस रहता है तो 500 मीटर कंटेनमेंट जोन और 250 मीटर उसके आगे बफर जोन। उसी तर्ज के आधार पर यहाँ चूंकि सबसे ज़्यादा केसेज हैं तो यहाँ पूरे सिकंदराबाद नगरीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और जहाँ तक ज़्यादा केस आने की बात है तो आज से 3-4 दिन पहले देखेंगे तो यहाँ बहुत कम केस थी। अब जैसे जैसे लोगों का मूवमेंट चालू हुआ, यहाँ सिकंदराबाद में इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्रियल जोन है, प्लस यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर के जनपद में जाते हैं। यहाँ अधिकतर केस ऐसे हैं कि बाहर के लोग जो गए हैं इलाज करवाने, वहाँ से पॉजिटिव होके आए हैं और उनकी फैमिली के बाद में सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जब तक प्रशासन को पता लगता है कि वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि बाहर इलाज करवाने जाते हैं उसे प्रशासन को खबर नहीं लगती है। एक जो सबसे ज़्यादा केस है एक फैमिली में है, उनका ग्रेटर नोएडा में, हालांकि रियल इस्टेट का बिजनेस था परंतु आटे का भी होलसेल व्यापार थे। अब एसेंशियल सर्विसेज का मूवमेंट अलाउड है तो उसमें कोई रोक ठोक नहीं है। बाहर गए, संक्रमित होके आए, उनके माध्यम से उनके परिवार के सारे लोग हो गए, फिर आसपास के लोग हो गए। प्रशासन की पूरी कोशिश है इसको कंटेन किया जा सके और इसलिए पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जा रही है कि घर में ही रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। देखिए, मैं ये बात क्लियर कर दूँ, शासन का निर्देश है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर ही एक्टिविटी अलाउड है। जो भी आपने कही है, कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कुछ भी नहीं अलाउड है। और सिकंदराबाद कस्बे में ज़्यादा केस आए हैं तो हमने पूरे सिकंदराबाद जो नगरीय क्षेत्र है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। देश भर में 24 घंटे में 9983 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 256611 पहुंच गई है। 24 घंटे में 4802 ठीक हुए। अब तक देश में 1,24,095 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में 206 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक इस वायरस से 7,135 की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया की बात करें तो भारत मरीजों की संख्या में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।